अच्छा ठीक है कश्मीर वगैरह जाने का प्लान है क्या? नहीं इतनी सारी कैब्स क्यों? उधर न्यू ईयर पे ब्लैंकेट नहीं बहुत अच्छी चीज है यार, लेकिन कम से कम 10-12 पीस तो ली थी बाकी शादी में 500 रुपए तो वो मैं सोचा खैरात हो जाएगी, मैं उस खर्च नहीं कर सकती पैसे को। क्या हो गया? ऐसे कौन रो रही हो भाई? ये विंटर्स की शॉपिंग चल रही है दिसंबर में, सब लोगों की शॉपिंग शॉपिंग करना हुआ करे ना तो विंटर स्टार्ट होने से के पहले करो या फिर एंड में करो, चीजें सस्ती मिलती है। ये बेटू को देखो, बेटू को, बेटू के लिए भी कुछ आया है। क्या है? देखो बुआ कुछ लाई है। अच्छा ड्रेस लेकर आए जिंगल बेल के। ओहो ये लेकिन ओहो कितना प्यारा लग रहा है यार, रुक्सार इसको पहनाना ठीक है। ट्री कहाँ पर है? ट्री कहाँ है? अच्छा अमायरा ने भी पहन रखी है दोपहर में जब गया था ना लेने के लिए, मैं इस मम्मी भी लेकर आई थी। जिंगल बेल मेरे लिए क्या लाई है? टोपी नहीं चाहिए मुझे, जैकेट वैकेट लाती यार। पागल हो रही है क्या? काला होता कैसे बोलेगी? पहनाना इसको, जरा पहनाना आएगा ये वाली क्या बता रहा ना? इसमें जो फहीम है ना अपनी बेटी के लिए चॉकलेट्स और टेडी बियर्स लाके इसमें डाल देगा। अलीजा सो रही होगी, सो जाएगी। वाओ अपने मुझे है मेरे पीछे तेरे वो टिंग टिंग ओए क्यूट भाई, सुंदर टोपी लिया मम्मी गांव पहन के जाएगी। मम्मी ऑलरेडी तुम्हारे पास ऐसी कैप्स पड़ी है? रुखसार के पास ऐसी कैप है? रुखसार याद है तुम्हें कश्मीर पे गए थे जब हम लोग जा रहे थे, तो तुम्हारा कलर अलग है, बस तुम्हारा पिंक कलर लाइट पिंक है। यार तुम्हें जैकेट्स निकाल के देगी रुखसार अपनी, बड़ी बढ़िया जैकेट्स है, अभी तो वो पहन नहीं पा रही है, तुम लेके जाना। चार दिन के लिए जा रही है मम्मी गाँव, मम्मी पापा दोनों जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ। अब तू माइक आते तो मम्मी अपने माइक ना जाए, बस हो गई शॉपिंग। अच्छा ये भी कुछ खाने पीने के लिए भी लेकर आए आप सामान, और आई थिंक ये रहा सामान जो लेकर आए साथ में, देखो ड्रावना ये बहन थोड़ा संभल कर। देख कितना 50 का नोट 100 का नोट 200 नोट 500 नोट 2000। माशा इतना पैसा मान ले काफी है, हम दोनों शॉपिंग पे कर सकते हैं। चल नहीं ये तो अतली का नहीं, ये तो खेलने वाला है। इससे आगे बढ़ोगी खेलने से? असली नोट नहीं दिया तुमने मुझे, बुआ को तुम कमा के असली नोट दोगी? मिसेस लाई है 2 सॉक्स क्योंकि इन्हें गाँव जाना है ठीक है। ये आई थिंक शॉल है क्या? सच में हाँ। शॉल और पापा मम्मी ने शॉल नहीं है ये पूरा वो है सूट, मम्मी को चाहिए था विंटर्स के लिए वो क्या कहते हैं सूट। मुझे लगता है इंडियन फैमिली में ना सब लोग ऐसा करते होंगे, शॉपिंग करके आते होंगे, जिनके मम्मी भाई वगैरह जाते नहीं होंगे उनको बैठा के दिखाते होंगे, देखो हम इतने का लाए, तो पापा और भाई अंदाजा लगाते होंगे अच्छा इतने का लाए, इतने का लाए, ज्यादा कम थक गए यार, नहीं 200 का लाए। तो मम्मी ने कुर्ता सेट लिया, पापा मम्मी को पसंद आया था, पहन कह रही थी मैं गाँव पहन के जाऊंगी ट्रेन में ठीक है। ये तो सेम रुखसार वाला लग रहा है। नहीं थोड़ा सा अलग है, ये अलग है, ये देख।
मतलब ये स्टॉल भी है, कान में डाल लेंगी, गले में डाल लेंगी। नाइस। और मम्मी ने क्या लिया? पजामा। पजामा कहाँ है? तेरे पीछे बेटा। पापा मम्मी ने बोला मैं रात में पहनने के लिए मेरे पास पजामा नहीं है, तो मम्मी ने पजामा लिया। मम्मी ने गुच्ची डाला पजामा। 200 rupees स्कर्ट। क्या ये अरे यार सुंदर है ये गुच्छिट वाली है एकदम डिफरेंट। अरे गुच्छिट अलग चीज है, वो चीज अलग है, ये अलग लोग खेलते हैं गुच्छिट गुच्छिट है क्या? इतनी मोटी है। मैं एक मिनट मेरे कैमरा पकड़ देना इधर, ये गुच्छिट गुच्छिट हो के रहा मैं पेट दिखाता हूं मैं अभी आपको। अरे नहीं राजे नहीं रहने दे भाई, भाई मजाक कर रही थी, नहीं मजाक कर रही थी रहने दे। चलो पापा को ये बात पता है। तुम सबने शॉपिंग कर ली, रुक सर तुम क्या लाई हो बताओ। यार मैंने इसमें से सब कुछ निकाल दिया है, उसमें कुछ नहीं ब्लैक वाले में। अब ओहो दिस इज नाइस। अभी ये शॉपिंग देख के ना, ये शॉपिंग देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, हम लोग इस तरीके से शॉपिंग करके लेकर आते थे, इकट्ठा मम्मी लेकर आती थी हमारे लिए कि राजू तेरे लिए लेकर आए हैं, ऋषि के लिए, सबके लिए। मुझे वो दिन मैं नहीं भूलती पापा, जब मम्मी जाती थी फ्राइडे मार्केट या बुद्ध बाजार जब जाती थी मम्मी, वहाँ पे सेल वगैरह लगती रहती। लग जाएगा लग जाएगा लॉन्ग। ये सच्चाई है, बट आज भी वही हमारी आदत है। अगर मैं सेल वगैरह कोई सामान अगर मुझे अच्छा लग रहा होता है सामान खुद भी, तो हम ले लेते हैं, वहीं से लेकर आए सारे सामान। बट हाँ ये चीज है कि जितनी भी चीजें है ना, ये सारी विंटर की शॉपिंग करके आए हैं, विंटर का टाइम है, बट अच्छा है, सारी क्वालिटी वाइज सब कुछ बढ़िया लगा मुझे। क्यों कैमरे के आगे बात करना? अरे हाँ सही कह रही है अक्सर जमील होटल से मम्मी आती थी और हमें इतनी खुशी होती थी ना नॉनवेज देख के, भाई घर में नॉनवेज मतलब। नहीं पापा बढ़ गए यार, पापा बढ़ गए, अब पहले पापा सिंपल नहरी खाते, अब नल्ली नहरी खाते। तो ये वाली पैंट लाई हूं पापा, ऐसे ऐसे लगा लगा के पैंट पहनती थी। कौन सी जींस का नाम होता था मक्खन जींस? मक्खन जींस लाते तो ज्यादा बढ़िया रहता, फिर अच्छा मुझे याद है एक चीज की, पापा ने काफी लंबे टाइम तक एक मतलब जींस का कपड़ा मम्मी लेके आती थी, मक्खन जींस एग्जैक्टली मैं बोल नहीं सकता, अब तो पापा पहनना ही बंद करते, अब तो नॉर्मली इस तरीके की जींस पैंट वगैरह पहनते। अभी भी पापा कह रहे थे कि जा रहे हो तो लेके, अब नहीं मिलता यार, अब वो स्टिच करवाना पड़ेगा, वो वाला कपड़ा ही नहीं मिलता अब। अब तो अपने फॉर्मल्स पहनना शुरू कर दिया है, मैंने करवा लिया उसमें ऑलरेडी, निकाल लिया है समोसे, निकाल के ला रहा हूँ मैं। चलो रुक सर अच्छे गर्म हो गया अब। चलो जी इवनिंग टी का टाइम हो गया है हमारे, और काफी टाइम के बाद सब लोग बैठ के साथ में नाश्ता करेंगे। नहीं जाओ मामू से पूछो, मामू आर यू रेडी? गो। नो आई एम नॉट रेडी। ओके टेल योर मदर आई बीट सो मच। ओके माशू बोलो बैड गर्ल, बैड बैड मैनर्स मामू, बैड मैनर्स।
देखे स्टाइल देख, पता है इसको कि मैं बैड मैनर्स बोल रही हूँ तो उसका मतलब बोलो नो माय मदर विल बीट यू मामू लेट्स गेट रेडी परी देखो कहाँ जा रही है माइशू मामू को दिखाओ परी कहाँ जा रही है माइशू माइशू कैन वी गो बोलो यस मामू आई एम रेडी बोलो माइशू आई एम रेडी माइशू एबीसीडी सुना दो माइशू कितना आता है एबीसीडी आती है मैं तो इग्नोर करती है डायरेक्ट ही क्या पहन रही हो माइशू क्या है ये बताओ बताओ ये क्या है करके दिखा दो करके दिखा दो पिकाचू नहीं नहीं दादी क्या पूछ रही नानी पूछ रही कौन लाया ये क्या कर दिया तो एक्चुअली जो हमारे कजन आए थे ना उनको घुमाना था घुमा दिया मजा आया उन लोगों को काफी एंजॉय किया उन लोगों ने तो आज वैसे उन लोग चले गए उनकी ट्रेन थी 8 बजे की तो सायमा उन्हीं से मिलने के लिए आई थी स्पेशली और सबसे थोड़ा टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करने तो फिर काफी टाइम आई थिंक शादी में नहीं आया था शादी में तो आया था शादी में राजू की शादी में सब आए थे नहीं मोनू नहीं आया था मोनू नहीं आया तो मोनू से मैं 3 साल बाद मिल गया मोनू से मिले तो अभी कौन आ रहा है माशू माशू सबको डांस करके दिखाओ तो अब वो गाने की तैयारी हो रही है देख रहे हो नाचो नाचो रहे A few hours later. Actually, मम्मी रात के 10 बजे इस टाइम पे कुछ बना रही हैं, तो वो चाहती है आप लोग साथ शेयर करना तो चलो मैं दिखाता हूँ क्या बना रही हैं। रात के टाइम मम्मी बना रही घी खत्म हो गया एक्चुअल में घी हमारे यहाँ जब खत्म हो जाता है ना तो मम्मी लेकर आते जाके बाहर से और घर में ही घी बनाया जाता है हमारे यहाँ पे पसंद करते हैं घर का घी ज्यादा तो घर में बनाते हो घी तो ये बना रहे देखो माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है अभी तो भाई इसे बहुत पकाना पड़ेगा एक तो मैंने इसकी स्मेल जो फैलती है ना बाद में जब पक्का कचता है तो अच्छा कल एक बार निकाला फिर नहीं बना पाई फिर रख दिया आज सुबह ही 4 बजे निकाल के चलो ठीक है बना आज अपने लिए लेकर आते रिंग लाइट क्योंकि मेरी रिंग लाइट जो थी टूट गई थी यहाँ पे आप देख सकते हो जलती है बट वो टूट गई थी तो साइज भी छोटा था इसलिए आज मैं अपने लिए लेकर आया हूँ रिंग लाइट बड़ी सी रिंग लाइट है जो कि है 19RT इससे पहले 18RT आई थी तो इसको अपडेट कर दिया है बहुत अच्छी ब्राइटनेस है 3-4 कलर के भाई जलते हैं बहुत अच्छा लगता है DPRL और ये जो है डिजिटेक का तो कंपनी है 1 साल की वारंटी के साथ दिया है मुझे इसके नीचे रखा स्टैंड ले लिया मैंने बस मेरे पास था स्टैंड बट 200 रुपये के चक्कर में छोड़ा नहीं वाला ले लेता हूँ ठीक है तो ये है रिंग लाइट और ये मैंने ऑर्डर किया है आज ही रिसीव हुआ है मेरे पास जो कि है अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया है हाँ बेटा वो स्लेट दिखा दूँ आपकी अच्छा ठीक है मैं सिलेक्ट दिखा दूंगा अभी पापा दाद के पास जाओ ये जो मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से ऑर्डर किया था अगर इसको आप बाय करना चाहते हो वीडियोस वगैरह शूट करते हो घर की लाइटिंग मतलब जिसके पास लाइटिंग नहीं है क्योंकि घर में वैसे तो हमारी लाइट्स है बट जितनी मुझे लाइट चाहिए होती है उतनी लाइटिंग नहीं थी इस वजह से मैंने बड़ा जो रिंग लाइट है बड़ी रिंग लाइट लेकर आया हूँ तो घर में अच्छी खासी रोशनी मुझे पसंद है मतलब वीडियोज में मुझे वीडियोज में ना मैं चाहता हूँ कि भाई कॉन्ट्रास्ट अच्छा हो वीडियो क्वालिटी अच्छी हो तो अच्छा लगता है क्योंकि अपने आप को बनाने में मजा आता है और एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल तो अगर आप लोग भी बाय करना चाहते हो ये रिंग लाइट तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ वहाँ से आप जाके इजीली बाय कर सकते हो फिलहाल उसे सेट करता हूँ उसकी लाइटिंग दिखाता हूँ वो कितनी तगड़ी है तो ये ऐसो की ड्रेस वो क्या बात है अल्लू क्या बात है तो हम लोग बनाने जा रहे हैं ट्रांजिशन वीडियो और ये रही मेरी न्यू रिंग लाइट जो कि मैंने जस्ट अभी ओपन की हाँ जी ओपन करके से सेट किया बहुत सही लाइट है और मैं दिखाता हूँ अभी आपको एक चीज ठीक है डिम येलो चाहिए तो येलो कर सकते हैं और सबसे अच्छी चीज इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है डिजिटेक का है तो जाहिर सी बात है कंपनी अच्छी है तो क्वालिटी भी अच्छी होगी इसकी
ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रांजिशन वीडियो शूट करने। ओके फाइनली हमारी अलीजा सेंटा छोटा सेंटा क्लॉज बन गई है माशाल्लाह। शी लुक सो क्यूट। ऐसे दिखा दो एक बार सेंटा क्लॉज हमारे छोटे सेंटा क्लॉज को। आओ तो सही फोटो लेंगे एक साथ में। आओ दादी आ रही है अभी। दादी आएंगी। हाँ ये लो हमारे पास क्रिसमस ट्री भी है। फोटो लेनी है अभी दादी आएंगी फिर साथ में फोटोज खींच लेंगे। बच्चू कितनी क्यूट लग रही है माशाल्लाह।